हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह मैं निकल चुका हूँ लाइब्रेरी के लिए और काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग आती है सुबह सुबह जब आप पढ़ते हो और आपका माइंड बिल्कुल ही फ्रेश रहता है। तो अगर आप सुबह उठ सकते हो तो कोशिश करो आप सुबह उठ के लाइब्रेरी जाने के लिए। सबसे पहले आप लोगों से सॉरी बिकॉज काफ़ी टाइम बाद मैंने वीडियो अपलोड की है, कंसिस्टेंट नहीं रहा, थोड़ी सी हेल्थ इशू रही, बहुत सारे टेक्स्ट आ रहे थे आप लोगों से, तो मैंने आप लोगों को भी बताया था, बट कोशिश करूँगा कि कंसिस्टेंट रहूँ और वीडियो रेगुलर अपलोड करते रहूँ। तो अभी चलते हैं लाइब्रेरी और कुछ खाने के लिए ले लेता हूँ बिकॉज लाइब्रेरी में एक बार सिटिंग हो जाएगी तो फिर मैं निकलूँगा नहीं, तो यहीं से कुछ ले लेता हूँ खाने के लिए। ऑयली खाने से बढ़िया है कि आप कुछ फ्रूट्स ले लो। अगर आप ही सुबह पढ़ते हो तो सुबह खा पी के थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करके बैठा करो पढ़ने के लिए। तो मैं यहाँ से केले लेता हूँ फिर चलता हूँ। और चाय को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, बट चाय नहीं लूँगा आज बिकॉज सुबह सुबह नींद आएगी, तो उसकी जगह पर कॉफ़ी ले लेता हूँ, कॉफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा सा मौसम भी अब चेंज हुआ है, पहले बहुत गर्मी है लेकिन अब सितंबर है तो थोड़ा सा चेंज हो गया, अब मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो दिस इज़ माय कॉफ़ी और इसको लेकर निकलता हूँ यहाँ से। एक ऑलरेडी कॉफ़ी थी उसमें, लेकिन मैं एक पैकेट और मेरे पास एक्स्ट्रा था तो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज मुझे ज़्यादा कैफीन चाहिए, मुझे पता है ज़्यादा नींद आएगी, तो इससे मैंने एक और ऐड कर लिया है क्योंकि थोड़ा सा कैफीन ज़्यादा हो जाएगा तो थोड़ा सा एक्टिव रहूँगा मैं, नींद कम आएगी। कुछ दिनों से आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन एंड आई होप कि मैं इसको कंटिन्यू रखूँ और आपको इसका रिजल्ट बहुत ही कम टाइम में नहीं मिलेगा, आपको लॉन्ग टर्म आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इससे आपकी स्टडी में भी बहुत हेल्प मिल सकती है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल पर, आपके माइंड को शांत रखने में एंड फोकस इंक्रीज करने में काफ़ी चीज़ें हेल्प कर सकता है। तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, मेडिटेशन आप भी अपनी डेली लाइफ में ज़रूर प्रैक्टिस करो इस चीज़ को। आफ्टर डन माई मेडिटेशन आई वॉज थिंकिंग कि मैं एक सॉन्ग सुन लेता हूँ और ये सॉन्ग आदि योगी, देख सकते हैं कि सेम स्टैचू मेरे पास भी है और मुझे ये सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि मुझे इस सॉन्ग से काफ़ी एनर्जी फील होता है, काफ़ी मेरे माइंड को रिलैक्स भी और थोड़ा सा मैं हाई मोटिवेटेड हो जाता हूँ। तो अगर आपको कुछ चीज़ें ऐसी रहती है आप कर सकते हो जिससे आपको अच्छा फील होता है तो आप किया करो उस चीज़ को, आप अपने डेस्क पे रखा करो। नाउ आई एम गोइंग टू रिवाइज माई ऑप्शनल पार्ट बिकॉज मैं इसके साथ में नोट्स बना रहा हूँ, तो अगर आप काफ़ी ज़्यादा नोट्स इकट्ठा बना लोगे और आप उसको रिवाइज नहीं करोगे तो काफ़ी आपको बर्डन फील होगा। तो मैं सोचा कि थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा शुरू में ही रिवाइज करते चलूँ, तो अभी मैं इसको रिवाइज़ करता हूँ, देन आगे का जो पार्ट है उसको कंटिन्यू रखूँगा क्योंकि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक ही बार मैटर मिल जाता है तो आप रिवाइज़ करना आपके लिए बहुत टफ हो जाता है क्योंकि आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं तो आपको इंडिविजुअली फोकस तो करना ही है लेकिन आपको साथ साथ में रिवाइज़ भी करना है। तो मैं अभी इसको रिवाइज़ करता हूँ देन आगे का पार्ट इसका स्टार्ट करूँगा। After revision of some part of my optional, now it's time to read newspaper. Newspaper that is very important for your current affairs. और अगर आप newspaper नहीं पढ़ते हो तो किसी coaching का magazine पढ़ो, but current affairs पे थोड़ा सा focus आपका होना चाहिए। और मैं दोनों को लेके चलता हूँ साथ में, newspaper के साथ में किसी coaching का current affairs का जो भी notebook मिल जाता है तो मैं वो पढ़ता हूँ। और मैंने इस वीडियो में बीच में मैंने कहीं mention किया हुआ है कि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो आप उस पार्ट को ज़रूर देखना क्योंकि उसमें आपको सिलेबस के हिसाब से मैंने बताया है कि ये चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है और ये आप छोड़ सकते हो, तो आप उस सेक्शन को ज़रूर देखना जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। सो आफ्टर न्यूज़पेपर आई स्टार्टेड स्टडी माई ऑप्शनल। ऑप्शनल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी भी मेरा कवर नहीं है, तो मेरा टारगेट है कि इसको नवंबर या दिसंबर के पहले मैं इसको ख़त्म कर लूँ क्योंकि उसके बाद प्रीलिम्स में मैं काफ़ी फोकस हो जाऊँगा उस चीज़ के लिए, तो शायद मैं इसको कवर नहीं कर पाऊँगा। तो अगर आपको ऑप्शनल कवर नहीं है तो उसको सबसे पहले आप कवर करो, अभी टाइम है, अदरवाइज़ प्रीलिम्स में आप उलझ जाओगे तो चीज़ें कंप्लीट नहीं कर पाओगे क्योंकि ऑप्शनल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपका सिलेक्शन को लेके और आपका जो रैंक आता है शायद उस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शनल में मार्क्स कितने हैं क्योंकि जीएस में अच्छे खासे मतलब जितना आपका दूसरों के कंपैरिजन में थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है बट ऑप्शनल बहुत ही ज़्यादा फैक्टर रखता है और डिसाइडिंग भी रहता है कि आपका रैंक कैसा आएगा। तो ऑप्शनल आप किसी से भी पूछोगे तो आपको बोलेगा कि अपना ऑप्शनल काफ़ी आप स्ट्रांग रखो जो भी ऑप्शनल है क्योंकि इसमें आप अच्छे मार्क्स ले आओगे तो ओवरऑल आपकी रैंकिंग जो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो रैंकिंग में हेल्प हो सकता है।
तो ऑप्शनल पे ज्यादा फोकस रखो। नोट्स से मेरा, मैं ऐसे कुछ बना रहा हूँ अपना ऑप्शनल का नोट्स, क्योंकि आपको नोट्स चाहिए, आपको हैंडी नोट्स चाहिए जब आप रिवाइज कर दो तो, और काफ़ी कम टाइम में आप अच्छे से उसको रिवाइज कर लो और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें कवर हो, तो ऐसे मैं बनाता हूँ। आप लेके कमेंट्स आते थे तो मैं दिखा दे रहा हूँ ये। सो माई नेक्स्ट टर्न इज़ मॉडर्न हिस्ट्री। कुछ दिन पहले मैंने इसको स्टार्ट किया था और अभी भी ये पार्ट ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसको मुझे ख़त्म करना है क्योंकि इसके साथ ज्योग्राफी भी चल रहा है मेरा, तो थोड़ा सा हैक्टिक रहता है। बट ठीक है, कोई नहीं, पढ़ते रहना है और बस आप वही कर सकते हो, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, और मैंने एक क्वेश्चन जो वीडियो किया था एंड बुक लिस्ट रिसोर्स किया था, उसमें मैंने बताया था कि आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ सकते हो। तो मैं स्पेक्ट्रम पढ़ता हूँ और एक काफ़ी अच्छी बुक है, थोड़ी सी लेंथी बुक है और आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक दो बार पढ़ोगे, तीन बार पढ़ लोगे तो आपको लगेगा कि आपको हर एक आंसर, जो भी क्वेश्चन पूछा रहे उसके आंसर आपको पता है। नहीं, आपको बार बार कंटिन्यूसली इसको पढ़ते रहना है, क्योंकि आप थोड़े टाइम पे भूल जाते हो चीज़ों को। दैट इज़ यूजुअल, सबके साथ होता है और मेरे साथ भी होता है, लेकिन आप कंसिस्टेंट रहो, बार बार रिवाइज़ करते रहो, टाइम निकालो, जो भी आपके सब्जेक्ट हो उसको टाइम निकाल के रिवाइज़ करो बार बार। और हो सकता है तो नोट्स भी बनाओ कि आपको एट द एंड लास्ट टाइम पे जब पेपर आता, अभी तो ईजी रहता है बुक से पढ़ना, बट जब आप एग्ज़ाम के पास जल्दी जितना जल्दी पहुँचते हो, आपको फिर हड़बड़ाहट होने लगती है, फिर आप बुक नहीं छूते हो, तो उसके साथ में नोट्स भी बना सकते हो। तो मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने एक ले आया हूँ जहाँ पे शॉर्ट में दिया हुआ है, लेकिन उसमें कुछ नोट कर लेता हूँ अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगता है। और अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ बिकॉज थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है शेड्यूल, तो आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो, कुछ वीडियो देख सकते हो जिससे थोड़ा सा आपका फोकस थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए कहीं और पे, देन अगेन आप स्टार्ट कर सकते हो एक एफिशिएंट वे में। और अभी हम निकले हैं चाय पीने के लिए, थोड़ा सा वॉक भी हो जाएगा और चाय भी पी लेंगे, और मैं आप लोग को थोड़ा सा क्राउड भी दिखा दूंगा कि क्या रात में यहाँ पे शाम में क्या क्राउड होता है। तो दिस इज़ ओल्ड राजेंद्र नगर, आप लोग देख सकते हो, और जैसे जैसे अंदर आप आगे जाते जाओगे वैसे क्राउड पुलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत सारे क्राउड है और मोस्टली स्टूडेंट ही हैं। तो चलते हैं, देखते हैं, एंजॉय करते हैं, और अपना चाय चाय दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेपर अभी एनालिसिस कर लेते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट ने किसी पे जजमेंट दिया हुआ है कि जो जो सिंगल वोमेन है वो भी अबॉर्शन करा सकते हैं। पहले नहीं था 24 वीक तक, पहले नहीं था लेकिन अब हुआ है। तो ऐसी चीज़ें अगर किस जजमेंट आता है तो बहुत एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि सिलेबस का एक थोड़ा सा पार्ट भी है, तो इंपॉर्टेंट रखते हैं GS2 में, और प्रिलिम्स में भी आ सकते हैं। यूनेस्को लिस्ट ये भी है, इससे कुछ रिलेटेड चीज़ें आती है तो आप उसको देखा करो, इसलिए मैंने मार्क किया था। आप लोग को बता सकता हूँ कि सिलेबस से रिगार्डिंग कुछ कुछ चीज़ें इसमें हैं जो आपको वही ज़्यादा फोकस करना, अदरवाइज़ फालतू की चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है। ये आपको ये सब फालतू चीज़ें इस पर ध्यान नहीं देना है। और ये मॉइस्ट फ्रंट जो चल रहा था कुछ दिन पहले भी, ये न्यूज़ में था और इस पर पूरा एक आर्टिकल छपा हुआ है, तो आप देख सकते हो। तो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। और इसमें अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि फैक्ट डाटा दिया हुआ है, कुछ नाम दिए हुए हैं ऐसे इंपॉर्टेंट कि एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से है, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। तो और मैं आगे दिखाता हूँ आप लोग को, ये ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके आगे देखते हैं, मैंने अच्छे से इसको मार्क कर लिया था क्या बताना है, क्या इंपॉर्टेंट है। ये भी देख सकते हो, इंडिया लाइक ए कम्प्लीट पेडियाट्रिक कार्डियो, तो ये हेल्थ से रिलेटेड है, तो हेल्थ भी आपके सिलेबस में है, तो कुछ डाटा भी दिए हुए हैं यहाँ पे, इसको आप नोट कर सकते हो कि अगर क्वेश्चन आता है तो GS इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको वहाँ पे मेंशन कर सकते हो।
तो हेल्थ से रिलेटेड भी आपके कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे ये पॉइंट मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे थोड़ा सा डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें दी हुई है तो इसको थोड़ा बहुत देख सकते हो, बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से तो नहीं इंपॉर्टेंट लग रहा है, बट और भी चीज़ें देख लेते हैं। इकोनॉमी सेक्शन से आप थोड़ा सा ये पॉइंट देख सकते हो, हाउ मच शुड इंडिया प्रॉप अप द रुपीज़। तो कुछ डाटा इसमें दिया, कुछ फैक्ट दिए होंगे, कुछ जनरल थ्योरी भी दी होगी। और ये टेली कम्युनिकेशन बिल तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो अपने सिलेबस में। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं वही दिखा रहा हूँ आप लोग को, क्या कैसे आप रिलेट कर सकते हो, जो सिलेबस में वही आपको पढ़ना है, फालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। और अगर किसी का एनालिसिस देख सकते हो, किसी बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो पे एनालिसिस पड़े हुए हैं न्यूज़पेपर के, तो आप वो भी देख सकते हो। और इसके आगे मैं दिखाता हूँ आप लोग को, वैसे बहुत सारे पार्ट थे, मैंने कोशिश की आपको जो इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ वाइफ काइंड है, कुछ सोशल से रिलेटेड भी चीज़ें आ सकती हैं, सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ें आ सकती हैं, उसको भी आपको ध्यान रखना है। और डॉक्टर नीड नॉट रिपोर्ट आइडेंटिटी माइनस सीकिंग अबॉर्शन से सुप्रीम कोर्ट, तो थोड़ा सा ये भी है सोसाइटी के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। एंड देन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशन पे आ जाते हैं, इसमें कुछ पॉइंट दिया हुआ है। तो अगर इम्पोर्टेंट कुछ लग रहा है थोड़ा सा है तो आप उसको देखो, अदरवाइज आपको टाइम वेस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप स्किप कर दो, क्योंकि बहुत सारे वैसी चीज़ें मिल जाती हैं पढ़ने के लिए। और थोड़ा सा ये क्या इंटरनेशनल क्या चल रहा है ये दिया हुआ था, तो इस पर थोड़ा सा आप ध्यान रखो। एंड एल्स मुझे कुछ पार्ट ये बिजनेस रिलेटेड है, करेंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन, तो ये भी थोड़ा सा देख सकते हो आप। ये आप जब आप इकोनॉमी 365 पढ़ते हो तो, या इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हो, तो ये सब चीज़ें उसमें कवर रहती है। तो मैंने आप लोग को दिखा दिया जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, और किसी का जजमेंट है, कुछ सोसाइटी से रिलेटेड या इकोनॉमी से रिलेटेड, या कोई कोई बिल आया हुआ है, तो ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती है। तो दिस इज़ ऑल आई वॉन्टेड कि आप लोग को ये पता होना चाहिए। होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग।